आप सभी जानते हैं कि आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। वह लंबे समय तक जेल में रहा। आर्यन के पिता शाहरुख खान ने अपने बेटे की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। शाहरुख अपने बेटे का नाम साफ करना चाहते थे। सभी जानते हैं कि शाहरुख खान एक लोकप्रिय और एक अद्भुत अभिनेता है, और इसलिए लोगों को लगा कि आर्यन भी फिल्मों में जुड़ेंगे। हालांकि एक अजीब मोड़ में आर्यन ने एक नया व्यवसाय स्थापित किया। आश्चर्यजनक, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। आर्यन खान ने दो पार्टनर्स के साथ बिजनेस खड़ा किया। उनके पार्टनर्स हैं लेटी ब्लागोएवा और बंटी सिंह। उन्होंने दिसंबर 2022 में अपने ब्रांड टियावोलेक्स के तहत वोडका लॉन्च किया। अब आर्यन ने इसी ब्रांड के तहत लग्जरी स्ट्रीटवेयर लॉन्च किया है। ये अपैरल युवाओं के लिए उपयुक्त है। ब्रांड को 30 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया। जैसे ही कलेक्शन लॉन्च हुआ, लोग खरीदने के लिए डियावोलेक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंच गए। बड़ी संख्या में लोगों ने कपड़े खरीदे। हालांकि ये आपको चकित कर देगा, अब मैं आपको कपड़ों के बारे में बताऊंगी। रेड क्रॉस वाली इस सिग्नेचर टी शर्ट की कीमत आपको कितनी लगती है? टी शर्ट की कीमत 24,000 रुपए से लेकर 47,000 रुपए तक है। वो प्रिंटेड डिजाइन वाली व्हाइट टी शर्ट थी, इसकी कीमत कितनी होगी? ये है 24,400 रुपए। आप सोच रहे होंगे कि सिग्नेचर जैकेट की कीमत कुछ 50,000 रुपए होगी। हालांकि जैकेट की कीमत 2,00,000 रुपए है। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि इस तरह के बेसिक कपड़ों की कीमत इतनी ज्यादा है। इसके लिए ब्रांड को काफी ट्रोल किया गया। कुछ ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पिता इतने प्रसिद्ध हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बेसिक कपड़ों के लिए इतने पैसों की मांग करो। आर्यन खान अपने निर्देशन की शुरुआत भी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। युवा फिल्म निर्माता एक वेब शो का संचालन करेंगे। ये लिखा भी उन्हीं के द्वारा जाएगा। ये 6 एपिसोड की सीरीज होगी। शूटिंग जल्द शुरू होगी और सीरीज दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगी। इसे शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा।